पंजाब रैली का बच्चा बच्चा बोल रहा है राहुल गांधी। सोशल वर्कर राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राहुल गांधी के साथ समूचा गांधी परिवार रायबरेली की धरती पर नजर आया। राहुल गांधी की मां आज रायबरेली की धरती पर रही। सोनिया गांधी की मौजूदगी रायबरेली की धरती पर रही। राहुल की बहन प्रियंका गांधी की मौजूदगी रायबरेली की धरती पर रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी रायबरेली की धरती पर रही। रॉबर्ट वाड्रा की मौजूदगी रायबरेली की धरती पर रही। रायबरेली की जनता राहुल गांधी के नामांकन को लेकर क्या सोचती है, क्या राय रखती है, हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि रायबरेली की जनता क्या कहती है। आप ये बताइए, राहुल गांधी जी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या कहती है रायबरेली की जनता, रायबरेली का मिजाज, दिल क्या कहता है? रायबरेली के लिए आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और एक जो परंपरा है गांधी परिवार की और रायबरेली के लोगों से जो परिवार का रिश्ता है, वो विरासत को, अपनी माँ की विरासत को आगे लेकर के राहुल गांधी जी जाएंगे। और ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि इंडिया गठबंधन के हमारे जो प्रत्याशी हैं राहुल गांधी जी, वो देश के जो मुद्दे हैं, जो आज महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक असमानता है, आरक्षण की बात है, ये सब लेकर के जो संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ की जो जनता रायबरेली की बड़ी होशियार है और यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने जा रही है, क्योंकि 10 साल मनमोहन सिंह के विकास के और 10 साल 2014 से 24 ये मोदी जी के विनाश के काल हैं ये, क्योंकि यहाँ बातें तो बहुत हुई लेकिन विकास नहीं मिला। और रायबरेली के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो जितना सोनिया जी ने 2004 से 14 तक जो सार्वजनिक उपक्रम यहाँ लगाए, यहाँ से 10 साल में उपेक्षा का शिकार हुई है रायबरेली और उसका भी बदला लेने के लिए जो है रायबरेली पूरी तरह से तैयार है। आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी ने आज नामांकन कर दिया है, आप लोगों के मन की मुराद एक तरह से पूरी हो गई, कई जगह धरना प्रदर्शन भी हो रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि भाई गांधी परिवार से कोई मेंबर यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए और राहुल गांधी ने आज सुबह ही इसकी घोषणा की और कांग्रेस की तरफ से इसकी घोषणा हुई, तो अब मन की मुराद पूरी हो गई है, राहुल गांधी का नामांकन हो गया है, क्या होने वाला है 20 मई को? रायबरेली वासियों को पूर्ण विश्वास था कि यहाँ से गांधी परिवार ही चुनाव लड़ेगा। 72 सालों का जो लगाव फिरोज गांधी से शुरू हुआ है वो कम नहीं हुआ है। 4 जून को रिजल्ट बताएंगे कि राहुल गांधी का क्या मायने है यहाँ पर। ठीक, गांधी परिवार बड़ा मजबूत रहा है, हमेशा रहेगा और कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी, आपने कई चुनाव देखे होंगे, आप क्या सोचते हैं रायबरेली के विकास को लेकर, रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर आपके दिलो दिमाग में क्या छवि है, रायबरेली कैसी होनी चाहिए? रायबरेली बहुत अच्छी होनी चाहिए, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। विकास जो भी हुआ है वो कांग्रेस के ही पीरियड में हुआ, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। 10 साल से अनाथ परी बरेली, 10 साल से दस साल से कोई भी काम नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं आप, 10 साल से कोई काम नहीं की, जो काम रहा वो बंद करा दी, हमें ही आए थे मिंट फैक्ट्री है वो बंद करा दी, मोटर ट्रेनिंग सेंटर नहीं चालू कराए, 300 पेटेंट्स के गिरवा दी, अरे बरेली सत्यानाश कर दी, हमारा राहुल आए हो उम्मीद आई है फिर खिली रायबरेली में विकास हो, प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस जीते, विकास हो, हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी, हम लोग राहुल गांधी जी का जो न्याय पत्र है उसको लेकर के यहाँ के सारे युवा उत्साहित हैं, यहाँ की महिलाओं को देखिए वो नारी न्याय को लेकर उत्साहित हैं और उनका जो श्रमिक न्याय है उस न्याय के तहत यहाँ का सारा श्रमिक बंधु हिस्सेदारी न्याय जो ये 5 न्याय है इनको लेकर यहाँ के युवा काफी उत्साहित हैं और इस बार यकीनन रायबरेली का जो तूफान है वो हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा और हमारे राहुल गांधी यहाँ से जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे। आप कह रहे हैं कि इस बार इतिहास रचा जाएगा, इस बार हिस्टोरिकल विन होगी राहुल गांधी की? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से जो है पूरे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में राहुल गांधी पूरा भारी रिकॉर्ड में से जीतेंगे और कांग्रेस ने जो रायबरेली में जो विकास किया था 70 सालों में इस 10 साल में विनाश हो गया। बिल्कुल, यहाँ की जनता रो रही, त्रस्त हो रही, रोडें सड़कें ऐसी पड़ी कि लोगों के एक्सीडेंट हादसे हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है और हम लोगों को उम्मीद है राहुल जी आए हैं, हम सब लोगों का सपना पूरा होगा, पूरा होगा। आप क्या सोचते हैं अपने क्षेत्र के बारे में, रायबरेली के विकास के बारे में और जिस तरह से राहुल गांधी का नामांकन आज यहाँ से हो गया है और गांधी परिवार का लगाव हमेशा से रहा है और सोनिया गांधी जी ने एक बड़ा भावुक पत्र भी लिखा था बीते दिनों जब वो राज्यसभा के लिए जा रही थी, तो यकीनन रायबरेली की जनता का जुड़ाव गांधी परिवार से और गांधी
देश की सबसे चर्चित रायबरेली लोकसभा सीट के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से नामांकन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह ने नामांकन किया तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने नामांकन किया। रायबरेली लोकसभा सीट का बेहद दिलचस्प इतिहास रहा है। दिनेश प्रताप सिंह जी 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े, शानदार लड़ाई लड़े थे। हम रायबरेली की जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि रायबरेली की जनता का मूड क्या है, रायबरेली की सियासी हवा क्या कहती है और रायबरेली का राजनीतिक मिजाज क्या है। हम सीधा लोगों से ही रूबरू होते हैं और जानते हैं रायबरेली की जनता का मूड, रायबरेली की हवा क्या कहती है, रायबरेली की जनता का मूड क्या है, रायबरेली के दिल में क्या है। मोदी, दिनेश सिंह, कमल खिलेगा रायबरेली में, विकास की गंगा बह रही है, गाँव में गरीबों को योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है, इसलिए कमल खिलेगा रायबरेली में। राहुल गांधी ने भी नामांकन कर दिया तो रायबरेली सीट पर इससे पहले सोनिया गांधी खड़ी हुई, इससे पहले गांधी परिवार के बारे में बात कही जाती है, लेकिन अब मुकाबला कड़ा होने वाला है, बड़ा मुकाबला होने वाला है। कोई मुकाबला नहीं है, राहुल गांधी चुनाव लड़ नहीं पाएंगे यहाँ, बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है इस बार। जिसको आवास मिला है, शौचालय मिला है, गांव में इंटरलॉकिंग लग गई है, पता है राहुल गांधी जी के पिताजी माताजी जब थे तब खड़िंजा हुआ करता था, जाके देखे जल नल से जल आ रहा गांव के अंदर, पानी की टंकियां बन गई हैं। मोदी जी ने कहा था भारत कहां बसता है, गांव में, तो गांव की जनता ने मन बना लिया है और कमल खिलाएगा रायबरेली से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज कहा कि अमेठी छोड़ करके भाग आए राहुल गांधी, डरो मत भागो मत, उन्होंने कहा, क्या सोचती है रायबरेली की जनता, आप क्या सोचते हैं? माननीय सोनिया गांधी जी पिछली बार जीती हैं, अपना सर्टिफिकेट लेने नहीं आई, वो 5 साल तक रायबरेली नहीं आई बीमारी के बहाना लेकर, तो इस बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से दिनेश सिंह। क्या सोचते हैं आप, रायबरेली का क्या विकास आप अपने दिलो जहन में समाये हुए हैं, रायबरेली की जनता क्या मिजाज रखती है और तमाम सपने होते हैं हर लोकसभा सीट के क्षेत्र के लोगों के, रायबरेली क्षेत्र के लोगों के सपने क्या हैं, कैसा रायबरेली आप लोग चाहते हैं, कैसा सांसद आप लोग चाहते हैं? रायबरेली अब की बार अपने घर का सांसद चुनना चाहती है। ये अतिथि आते हैं, नामांकन करते हैं, यहाँ से जीत के चले जाते हैं, सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आते हैं। रायबरेली की जनता अब की बार पूरा मूड बना चुकी है कि अब बाहरी कैंडिडेट का काम खत्म यहाँ से, और ये राहुल गांधी जो कर रहे हैं देश के रायबरेली और वायनाड के दोनों जगहों के लोगों को तो व्यक्तिगत रूप से धोखा दे रहे हैं, देश को तो ये लगातार गांधी परिवार धोखा देता चला आ रहा है, दो दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, हारने के बाद यहाँ से भी भागेंगे, हारने के बाद वायनाड से भी भागेंगे, अब ये तीसरी जगह ढूंढे, अमेठी इनका हो चुका, वायनाड और रायबरेली भी ये हारेंगे, अब ये चौथी जगह ढूंढे कि इनको कहाँ से चुनाव लड़ना है, क्या करना है, अब यहाँ इनकी दाल गलने वाली नहीं है, इनकी दाल गलने वाली नहीं है। आप क्या सोचते हैं, कई चुनाव आपने देखे होंगे, इस बार का मुकाबला आप किस नजरिए से देखते हैं? इस बार दिनेश प्रताप सिंह जी का मुकाबला राहुल गांधी से होने वाला है, दिनेश प्रताप सिंह जी पुराने महारथी हैं, राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, तो जिस तरह से यहाँ का राजनीतिक समीकरण है वो क्या कहता है? जहाँ तक रायबरेली की मूड की बात आपने पहले कही, रायबरेली का मिजाज क्या है, रायबरेली का मिजाज का सबसे पहले अगर किसी ने संज्ञान में लिया है तो आदरणीय सोनिया गांधी जी ने लिया है। उनकी समझ में आ गया था कि रायबरेली का मिजाज इस बार ठीक नहीं रहने वाला है और यहाँ से पलायन कर जाना इस बात का प्रमाण है। यहाँ से वो राजस्थान की राज्यसभा पहुंची है। इस तरह से आप एक पंक्ति में रेखांकित करते हुए कि सबसे बेहतर अगर किसी ने सोचा है, उससे बाद अगर किसी ने सोचा है तो प्रियंका गांधी जी है। प्रियंका गांधी की भी चर्चा हो रही थी कि प्रियंका जी लड़ सकती हैं, लेकिन प्रियंका जी की भी समझ में आ गया कि मम्मी प्लान कर गई तो इसका मतलब अच्छा नहीं है। वो अपना राजनीतिक भविष्य जानती थी कि रायबरेली में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। रायबरेली के निवासी हैं, रायबरेली के रहने वाले हैं और रायबरेली क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो लोकल प्रत्याशी होता है, लोकल व्यक्ति होता है, वो ज़्यादा डूबा रहता है क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर के, तो आपको लगता है कि जो लोकल व्यक्ति है वो ज़्यादा आप लोगों की समस्याओं को सॉल्व करेगा? जी हाँ, बिल्कुल। लोकल प्रत्याशी का मतलब ये है कि वो घर घर के हम लोगों के सुख दुख से वाकिफ है। जो प्रत्याशी जीतने के बाद सर्टिफिकेट लेने नहीं आता वो हमारे आपके सुख दुख में क्या शामिल होगा? रायबरेली की यही पुकार है, ये भगोड़े प्रत्याशी हैं, यहाँ अमेठी से भागे वायनाड पहुंचे, रायबरेली से भी भागेंगे कहीं दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, तो हम लोग दिनेश प्रताप सिंह को जिताने का काम करेंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बात करते हैं भाई 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में दिया जा रहा है, हर घर जल पहुंचाया गया है, शौचालय घर घर बने हैं, तो आपको लगता है कि ये मुद्दे ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, कानून व्यवस्था की मुद्दा है, और दूसरी तरफ रोजगार और महंगाई तमाम अन्य मुद्दे भी। आपको क्या लगता है इस बार का राजनीतिक मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है इस बार के चुनाव में? उत्तर प्रदेश में कोई इनका भविष्य नहीं, 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस, और 17 में यही एक बची थी, यही एक यहाँ से इनका प्रधानमंत्री था, 5 साल वो आए नहीं। दिनेश सिंह हारने के बाद MLC बने, भाजपा के मंत्री बने, और लगातार 5 साल जनता के बीच में रहे। जब वो गांव, राहुल गांधी से अभी 10 गांव के नाम पूछ लिए जाए तो रायबरेली के 10 गांव के नाम नहीं बता पाएंगे, आप बता रहे हो लोकसभा जीतेंगे वो। दिनेश सिंह को गाँव नहीं, गाँव के पुरवों के नाम पता है कि रायबरेली में कौन सा पुरवा कहाँ पे है, और राहुल गांधी से अभी रायबरेली से जुड़े हुए 10 गांव अगर नाम पूछ लिया जाए तो नाम नहीं बता पाएंगे। और आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो, वो तो कहो NDA का जो आदमी सुबह 8 बजे ये कह रहा है कि कांग्रेस से राहुल गांधी लड़ेंगे, वो अपना प्रत्याशी तक नहीं दे पा रहे हैं। पहले ये हुआ कि अमेठी से लड़ेंगे, यहाँ प्रियंका जी लड़ेंगी, प्रियंका जी मैदान छोड़ के भगी तो वहाँ KL शर्मा को भेज दिया, यहाँ अपना आ गए। वायनाड से इनको पता लग गया है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, वायनाड से इनको 26 तारीख तक इन्होंने नाम नहीं घोषित किया क्योंकि 26 तारीख को वहाँ चुनाव था, ये कहे कि वहाँ चुनाव हो जाएगा तब यहाँ नाम घोषित करेंगे, नहीं शायद वहाँ पहले ही हार वो कर लेते। 26 के बाद कल इनका आज सुबह 8 बजे नाम हुआ कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे, और ये बुरी हार हार के जाएंगे। अभी राहुल गांधी जी आए हैं, मान लिया जीत जाते हैं तो कहाँ के रहेंगे, किसके कहाँ के प्रति वफादार रहेंगे, वहाँ की जनता प्रति वफादार रहेंगे कि रायबरेली? कोई रिलायबिलिटी नहीं है। दिनेश सिंह जी रायबरेली के ही बेटे हैं, रायबरेली में ही निवास करते हैं, हम लोगों के पहुंच में, हम लोग उनसे जाके अपनी दुख दर्द बयां कर सकते हैं, वो हमारे सारे दुख दर्द को दूर करते हैं, तो हम अपने ही जिले के व्यक्ति को क्यों न जिताएं जो यहाँ निवास करता हो, इजिली अवेलेबल हो, हमारे सुख दुख को समझता हो। वो कह रहे हैं 5 लाख वोट से जीतेंगे इस बार राहुल गांधी, वो उनका भ्रम है, वो 5 लाख से जीतेंगे, वो 10 लाख बोल देंगे, वो उनको बोलने दीजिए, जनता यहाँ की बताएगी कौन कितना है, कितना अच्छा कौन लड़ रहा है, कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, जनता बताएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से रायबरेली की जनता ने मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद की है, और 20 मई को रायबरेली में मतदान होना है, आप अपने क्षेत्र में मतदान जरूर कीजिएगा। न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि मतदान अवश्य करें, पहले मतदान फिर जलपान का नारा बुलंद करें। कैमरा पर्सन अनिल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 रायबरेली।